अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो लास्ट टाइम हमने GIT की ड्रग्स स्टार्ट की थी, उनमें से कोई इश्यू हो, कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ में आई भी हो तो पूछ लें। यस मैम, मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर्स एक बार समझा दें। यस मैम, ये मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर एंड मैम रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस, क्योंकि मैम उसमें ये कन्फ्यूजन है कि वो जो तीन हमारे पास एंजाइम है वो क्या नॉर्मल में भी ऐसे ही वर्क करते हैं या गर्ड में ऐसे करते हैं, जो डिजीज हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ठीक है जी बच्चों, और कोई चीज़? जी बच्चे, आप एसिटाइलकोलिन हिस्टामिन और गैस्ट्रिन की बात कर रहे हैं? जी मैम, और हिस्टामाइन, एसिटाइलकोलाइन और गैस्ट्रिन, ये जो थ्री मैम हमारे पास लोकल हॉर्मोन्स थे, आपने बोला कि ये स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद मैम रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, तो वो मैम जस्ट ये गर्ड में होगा या? नॉर्मल एक्शन है? नहीं, ये नॉर्मल एक्शन है, ठीक है। प्रोटॉन के रिलीज का ये नॉर्मल एक्शन है कि एसिटाइलकोलीन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन अपने अपने रिसेप्टर्स पर आकर अटैच होते हैं, ठीक है। लाइक वी हैव सीन इन दिस डायग्राम, हिस्टामीन, गैस्ट्रिन एंड एसिटाइलकोलीन, ये तीनों अपने अपने रिसेप्टर्स पर आकर अटैच होते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो सेल में से प्रोटॉन रिलीज होता है इन टू द ल्यूमिन, आउट ऑफ द सेल चला जाता है, और पोटेशियम जो है वो ल्यूमिन में से सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इन रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम यस मैम। रिलीज होता है, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है प्रोटॉन के रिलीज का। सो व्हेन वी हैव टू स्टॉप द प्रोटॉन के वो रिलीज ना हो, तो हमें इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, ठीक है, जिसको हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहे हैं। प्रोटॉन पंप हो कैसे रहा है? हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलीन के एक्टिवेशन से। इनके रिसेप्टर्स पे जब ये आके अटैच होते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और प्रोटॉन रिलीज होता है थ्रू प्रोटॉन पंप। हमें उस प्रोटॉन पंप को स्टॉप करना है। उस प्रोटॉन पंप को स्टॉप करने के लिए हम हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलीन को स्टॉप कर देंगे कि वो अपने रिसेप्टर्स पे आके अटैच ना हो, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये गर्ड में नहीं हो रहा, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। मैम अगर ये नॉर्मल है तो हम इन्हें क्यों ब्लॉक क्यों करेंगे? बेटा बताया तो है, ताकि प्रोटॉन रिलीज ना हो। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमने पढ़े थे कि ये मेडिसन जो प्रोटॉन के रिलीज होने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। HCl ओके। बनेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, हमें उसको कम करना है ताकि हमारी पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो कम हो। तो हमें प्रोटॉन्स को कम करना है जो हमारे ल्यूमिन में आ रहे हैं। जब हमने प्रोटॉन को कम करना है, तो हमें उसके पीछे जो वजह है, जो प्रोटॉन रिलीज करा रही है, जो कि ये रिसेप्टर है, हमें उनको बंद करना पड़ेगा, ठीक हो गया। मैम अगेन कन्फ्यूजन है कि अगर ये प्रोसीजर नॉर्मल है तो फिर हम इसको स्टॉप क्यों करेंगे? ये डिजीज में आ गया क्या ये प्रोसीजर मैम? जी बच्चे, डिजीज के केस में हम इसको ब्लॉक करेंगे। दिस प्रोसीजर इज अकरिंग नॉर्मली इन आर बॉडी, ठीक है। यह हमारी बॉडी में नॉर्मली हो रहा है, लेकिन एक पेशेंट है, उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज डेवलप हो गई है उसके स्टमक में, उसमें हमने इसको स्टॉप करना है प्रोटॉन के रिलीज को, ठीक है। ओके मैम। हम ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको हमने कम करने के लिए ब्लॉक करना है ना? जी बच्चे, एसिड पेप्टिक डिजीज के कॉज में ये रिलीज होने की वजह से अल्सर्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या डिजीज़ वर्सन हो रही है। हमने उस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए प्रोटॉन्स को रोकना है, ओके मैम, थैंक यू। और ये हम इसीलिए फॉर दैट टाइम पीरियड यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ
ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए, हम ये थ्रू आउट लाइफ नहीं दे रहे पेशेंट को कि हम उसके प्रोटॉन थ्रू आउट लाइफ के लिए हम उसके ख़त्म नहीं करा रहे, ठीक है, ये हम उसको फॉर दैट टाइम दे रहे हैं जब तक कि उसके जो स्टमक अल्सर्स हैं वो ठीक नहीं हो जाते। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? यस मैम, यस मैम, ओके। बच्चे आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाकी की ड्रग्स जो कि एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स, डायरिया में एंटी डायरियल, कॉन्स्टिपेशन के लिए और लेग्जिटिव जो हैं, ये सारी ड्रग्स हैं ये हम आज देखेंगे। एमेसिस क्या चीज़ है, नोजिया या वॉमिटिंग जो भी इंड्यूस होती है उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, कोई रिपल्सिव चीज़ देख ली उसकी वजह से, मोशन सिकनेस की वजह से, या फिर कोई टॉक्सिन इंजेस्ट कर लिया उसकी वजह से एमेसिस कॉज होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मोशन सिकनेस में हम सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें हमारे जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के बैलेंस में डिफरेंस आता है। स्पेसिफिकली ये तब होता है जब हम एक एल्टीट्यूड से दूसरी एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं, माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे हैं, उस केस में आता है, या फिर हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए वो, और किस केस में हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी राइड्स लिए हैं, झूले वगैरह बहुत ज़्यादा ले लिया, या बहुत हाई स्पीड में कुछ ले लिया है, उसकी वजह से आ सकते हैं ये। सीइंग समथिंग रिपल्सिव में कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसे जिसकी वजह से नोज़िया हो जाए और उसके फिर वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाए, इसमें मोस्ट कॉमनली तो ये कि किसी को वॉमिटिंग करते देख लें तो ये आ जाती है। इंजेस्टिंग ए टॉक्सिन में कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि स्टिमुलेट कर दे जाके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग को, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जैसे कि हमने कीमोथेरेपी एक ही मेडिसिन पढ़ी कि उनकी वजह से एमेसिस इंड्यूस हो जाती है। किस किस केस में होती है एमेसिस, मोशन सिकनेस में, प्रेगनेंसी में, हेपेटाइटिस में और कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स की वजह से। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एमेसिस में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन सी ड्रग है, मतलब इज़ दैट ड्रग कॉजिंग एमेसिस और नॉट, उसकी डोज क्या दी जा रही है, वो कितनी डोज में असर करती है, कितनी डोज में जाके वो एमेसिस कॉज करती है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पर ओरल दी जा रही है, आईवी में है, आईएम है, किस तरीके से वो दी जा रही है, शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिन में कितनी दफ़ा दी जा रही है, या क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ड्रग लेने की जिसकी वजह से एमेसिस कॉज होगी। एमेसिस जो है उसकी वजह से सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट नहीं होती बल्कि इंसान उस चीज़ के लिए ही रिपल्सिव हो जाता है जो कि उसको दी जा रही है। लाइक अगर एक बच्चे को आपने एक चीज़ दी है खाने के लिए और उसे पता है कि लास्ट टाइम जब मैंने ये खाया था तो मुझे पता है कि ये चीज़ कड़वी है या ये इस चीज़ से मुझे वॉमिटिंग आएगी, तो वो बच्चा वो चीज़ नहीं लेगा आपसे। इसी तरीके से जब हम कैंसर पेशेंट्स में उनको ड्रग्स दे रहे हैं एंड दे नो कि हमें इस मेडिसिन से वॉमिटिंग आती है तो दे विल अवॉइड दैट, और उसकी वजह से ये होगा कि जो प्रॉपर हम क्योर करने के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं जो के कॉज कर रही है एमेसिस, वो उससे रिपल्सिव हो जाएगा पेशेंट और वो ट्रीटमेंट पे असर कर सकता है। अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो सकती है। कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स कैसे वर्क करते हैं, एमेसिस किस तरीके से होती है, दो रिसेप्टर्स हैं जिन पे वो असर करके और एमेसिस कॉज करते हैं, उनमें कौन कौन से आ गए, डोपामिन रिसेप्टर्स हैं और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं। होता क्या है कि सेरोटोनिन रिसेप्टर होता यह है कि सेरोटोनिन रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन में फ्रॉम द एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ, ये जाएगा और जाके एक्टिवेट कर देगा सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को वेगल एंड स्प्लैंकनिंग एफरेंट फाइबर्स पे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से फिर सेंसरी सिग्नल जाएगा मेडुला में, और मेडुला में जाके इमेटिक सेंटर को, उसको वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी। ये मैकेनिज्म है कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स का इन केस ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास कि कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स जो हैं वो पेरिफेरली भी एक्ट कर सकते हैं, यानी कि जीआईटी ट्रैक में
जीआईटी में सेल डैमेज कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग इंड्यूस हो जाए। क्या मैकेनिज्म्स हैं जो वोमिटिंग को ट्रिगर करते हैं? दो ब्रेन स्टेम की साइट्स हैं जिनमें कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन आ गया, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है किसी भी केमिकल स्टिमुलाई को जो कि ब्लड में या फिर सीएसएफ में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर। जो वॉमिटिंग सेंटर है वो एफरेंट रिस्पॉन्स लेता है कहाँ से? वेस्टिबुलर सिस्टम से या फिर पेरीफ्री से। वेस्टिबुलर सिस्टम से लेगा इन केस ऑफ मोशन सिकनेस, और पेरीफ्री से लेगा इन केस फेरिंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं पे इरिटेशन कॉज हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये समझ आई है आप लोगों को? आगे चलें। यस यस मैम। अब हम बात कर रहे हैं दैट वी हैव टू कॉज इमेसिस। ठीक है, इमेसिस कॉज करनी है हमने। इमेसिस हम किस केस में कॉज करना चाहते हैं? कोई कोई जहरीली चीज़ खा ली किसी पेशेंट ने, किसी ने कोई ऐसी ड्रग ले ली जो कि उसके लिए डेंजरस थी, या इस किस्म की कोई चीज़, उस केस में हमें क्या करना है? एमएसएस उससे कॉज करवानी है ताकि वो उसके जीआईटी से फ्लश आउट हो जाए चीज़। उसके लिए हमें क्या एक उसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि उसे हॉस्पिटल सेटिंग में लेके जाएं और उसके वॉश आउट वगैरह करवाएं उसका जीआईटी। लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं जा सकते या हम किसी ऐसे रिमोट एरियाज़ में हैं जहाँ पे हम फौरन से उसकी ये गैस्ट्रिक लवाज का काम नहीं कर सकते, हमें वहाँ पर क्या करना है कि उसको हमें क्या करना है कि कोई ऐसे सिरप उसको देना है या कोई ऐसी चीज़ देनी है जिसकी वजह से उसे उसी टाइम पे वॉमिटिंग हो जाए और जो भी चीज़ उसके स्टमक में गई है वो बाहर निकल आए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आईपीकैक एक सिरप है, सिरप ऑफ आईपीकैक। ये एक प्लांट से डिराइव किया गया है, इपीकैचुआना नाम है, वट एवर जो भी नाम है इसका। इससे डिराइव किया गया है इससे, और ये इंड्यूस करता है एमएसएस को। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है? ड्राउजीनेस होती है इससे, डायरिया और स्टमक एक होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी कोई भी नहीं है इसके यूज़ की, सिर्फ ये कि अगर रिस्क हो टॉक्सिसिटी का विक्टम को तो ये यूज़ कर सकते हैं। किस केस में? के जब तक हम इसे हॉस्पिटल किसी इमरजेंसी में नहीं लेके जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो चीज़ पेशेंट ने खाई है उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाए, लेकिन इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इतनी इफ़ेक्टिव जो कि इसकी जो भी टॉक्सिन लिया गया है बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर सके। ठीक है मैम जी। बच्चे मैम, एक सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है बिंज ईटिंग के प्रोसेस में, लाइक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिनको के बहुत वेट गेन हो गया वो लोग ये करते हैं, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन यूज होती है या नहीं? नहीं बच्चे, वो तो खुद इंड्यूस करवाते हैं वॉमिटिंग अपने कहले थ्रोट में कुछ फिंगर्स वगैरह डाल के और इस तरीके से। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। हम ये पेशेंट को कब तक ये हम कर सकते हैं प्रोसेस, जब पेशेंट कुछ टॉक्सिक चीज़ खा ले या उसके बाद? जी बेटा, यही मैं इस स्लाइड में भी यही बताने लगे थे कि जैसे ही पेशेंट ने कोई टॉक्सिक चीज़ खाई है आप उसको ये सिरप दे दें, ठीक है, और फौरन ही उसे हॉस्पिटल सेटिंग में ले जाएं। जब तक कि वो हॉस्पिटल जाएगा तब तक के लिए ये इफ़ेक्टिव है। ठीक है, कोई भी एमरजेंसी क्रिएट नहीं हो पाएगी। 30 to 90 minutes ऑफ इंजेक्शन जब उसने किया है तो आप उसे दे सकते हैं ये, और उसके बाद आप उसे ले जाएं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट यही है कि हॉस्पिटल में उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाए, और उस ट्रीटमेंट को भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं करती या उसके साथ इंटरफेयर नहीं करती। यानी कि ये नहीं कि अगर आपने पेशेंट को ये दे दिया है सिरप और बाद में आप उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं एंड दे विल से कि आपने फलाना सिरप दे दिया था जिसकी वजह से अब उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है या नहीं सही हो रही, या किसी भी ट्रीटमेंट को वो इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर ये सिरप अवेलेबल ना हो तो उंगलियों वाला प्रोसीजर करें? तो उसे हॉस्पिटल ले जाए बच्चे, उंगलियों वाला प्रोसीजर ना करें, किसी के हलक में उंगलियां ना डालें उसे वॉमिटिंग कराने के लिए। जिसने खुद जहर खाया है उसके उसके हवास इस तरीके से नहीं होंगे कि वो अपने हलक में खुद उंगलियां डाल के वॉमिटिंग करे, इसलिए आप भी कोशिश ना करें कि इस किस्म की कोई कोशिश करें, उसे हॉस्पिटल ले जाए। नेक्स्ट हम आते हैं एंटीएमेटिक्स। ठीक है, एंटीएमेटिक्स ड्रग कौन कौन सी हैं? सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स,
मस्कुरैनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स, कॉर्टिकोस्टीरोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड सब्सटेंस पी, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बच्चों ये मैंने मैंने कोशिश की थी कि मैं ये एक इसको कंपाइल करती पूरे चार्ट को, लेकिन ये मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ। आगे हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, इन सारी ड्रग्स की बहुत ज़्यादा नहीं, एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे या ये कि ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, सिर्फ ये चीज़ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। तो आपने इसी चार्ट के आगे एक और कॉलम बनाना है और उसमें आपने वो डिटेल लिखनी है जो आगे वाली स्लाइड्स में इनके अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है। लाइक अगर हम सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं कि ओंडेंसिट्रॉन है, डोलेसिट्रॉन है, तो ये हम किसके साथ देंगे, कि ये हमने कॉर्टिकोस्टीरॉइड के साथ देना है या इसका साइड इफेक्ट क्या है, वो चीज़ आपने आगे लिख लेनी है, ठीक है, ताकि आपके पास एक ही चार्ट में ये पूरी एंटीमेटिक्स का बन जाए। मुझे सबमिट नहीं कराना, आप लोग अपने पास लिख के रखें ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और वाइवा के टाइम पे भी मुश्किल ना हो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे नाम इन ड्रग्स के आप लोगों को याद हो, लेकिन मेन याद होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कोई पूछे तो आप एक दो नाम ज़रूर प्रोड्यूस कर सको कि मेटोक्लोपरामाइड है या ड्रोपेरिडोल है, ठीक है। ब्यूटायरोफिनोन्स, ड्रोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। इनको किसके साथ इनको कब दिया जाता है, एंडोस्कोपी या सर्जरी में सेडेशन कॉज करने के लिए मोस्ट कॉमनली इसे दिया जाता है, और किसके साथ, कॉम्बिनेशन में ओपिएट्स के या फिर बेंजोडाइजेपिन्स के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। बेंजोडाइजेपिन्स क्या चीज़ है, इनकी एंटीमेटिक पोटेंसी जो है वो लो है अल्प्राजोलैम और लोरेजिपैम की। इनका जो बेनिफिशियल इफेक्ट हमें अटेन होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनकी सेडेटिव और एंजियोलिटिक प्रॉपर्टीज़ है, सेडेटिव, एंजियोलिटिक एंड एमनेजिक प्रॉपर्टीज़। सेडेटिव का मतलब ये है कि वो हनूदगी कॉज करते हैं, एंजियोलिटिक यानी कि वो एंजाइटी को ओवरकम करते हैं, और एमनेजिक प्रॉपर्टीज़ मतलब थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से उसको वो चीज़ भुला देते हैं या उस सराउंडिंग्स को थोड़ी देर के लिए वो काम डाउन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है वो बेंजोडाइजेपिन्स इस वजह से यूजफुल हो जाती हैं एंटीसिपेटरी वोमिटिंग के केस में। एंटीडिप्रेसेंट्स एंजियोलिटिक्स ही हो गए हैं बेटा। ओके मैम। बेटा एंटीडिप्रेसेंट्स और चीजें हैं, हाँ जी, बेंजोडाइजेपिन्स की जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली एंटीडिप्रेसेंट्स हैं जो ये काम कर रही है। नेक्स्ट आगे कॉर्टिकोस्टीरोइड्स, कॉर्टिकोस्टीरोइड्स में डेक्सामेथासोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज़ होता है, अकेले भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अकेले भी जब इनको यूज़ किया जाएगा तो वो तभी इफेक्टिव है जब माइल्ड या मॉडरेट केस, तो सिवियर वॉमिटिंग के केस में हमें इन्हें किसी चीज़ के साथ ही यूज़ करना है। इनका जो एंटीमेटिक मैकेनिज्म है वो अननोन है, लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिंस को ब्लॉक करते हैं, उस वजह से इनकी एंटीमेसिस प्रॉपर्टी है। हिस्टामिन या डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स देखते हैं, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इनके वो वेल टॉलरेटेड होते हैं, उसके लिए किसी भी चीज़ की मेडिसिन की या किसी भी किस्म के मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हेडेक आ जाता है और कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। रेयरली जो होते हैं सिम्टम्स उसमें हिकअप्स आ जाती हैं, इचिनेस आती है और ट्रांजियंट बाइल्डनेस है, ये रेयर सिम्टम्स है लेकिन ये वेल टॉलरेटेड है, सॉरी साइड इफेक्ट्स रेयर साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन वेल टॉलरेटेड है। जबकि जो एंटीसाइकोटिक्स के आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, उनमें क्या आ जाता है, ब्लर्ड विजन, ड्राई माउथ, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस एंड सीजर्स, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसमें टार्डिव डिस्काइनेजिया आ जाता है, यानी कि सडन मूवमेंट्स, जर्की सी मूवमेंट्स आ जाती हैं बॉडी में, इस वजह से इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, फेनोथायजीन से एलर्जी हो तो नहीं देना, ग्लोकोमा के केस में नहीं देना क्योंकि ये आइज पे इफेक्ट कर रहे हैं, ब्लड विजन कॉज कर रहे हैं, लिवर डिजीजेस के केस में नहीं देनी, प्रोस्टेट और ब्लैडर के प्रॉब्लम्स में नहीं देनी है। सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनकी जो हमने पहले देखा था कीमोथेरेप्यूटिक के केस में, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के केस में, कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे कैसे एक्ट करती हैं एंटीमेसिस। होता क्या है कि लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, लिवर में मेटाबोलाइज होके डोलेसिट्रॉन जो कि ड्रग है उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाता है हाइड्रोक्सी डोलेसिट्रॉन, ठीक है। यह हाइड्रोक्सी डोलेसिट्रॉन जो है ये फिर फर्दर जाके सेरोटोनिन पे एक्ट करता है। दस क्योंकि
लिवर में इनके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो जिन पेशेंट्स में लिवर इंसफिशेंसी होगी, हेपेटिक इंसफिशेंसी होगी, कोई लिवर डिजीज होगी, उन पेशेंट्स में हमने इनकी डोज को एडजस्ट करके देना है कि वो उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल अमाउंट में ही दी जाए, वो लिवर पे एक्ट ना करे। और इनकी एलिमिनेशन कहाँ से होती है? यूरिन के थ्रू। कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसमें? ऑन्डेंसिट्रॉन है, ग्रैनिसेट्रॉन है, और ये एक्सीलेंट है उस केस में जो कीमोथेरेपी से इंड्यूस होते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग। सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स हैं, सेवरल सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड्स जो हैं उनकी एंटी इमेटिक एक्टिविटी है, जिसमें मिटोक्लोप्रामाइड आ जाता है। इसके अलावा इनका एंटी डोपामिनर्जिक साइड इफेक्ट्स जो हैं उसमें सेडेशन है, डायरिया है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं, और जो इसके यूज़ को लिमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैनाबिनोइड्स क्या चीज़ है? मैरिजुआना के डेरिवेटिव्स हैं ये, इसमें ड्रोनाबिनोल, नेबिलोन आते हैं। ये इफेक्टिव है मॉडरेट इमेटोजेनिक कीमोथेरेपी के। इसके साइड इफेक्ट्स में डिस्फोरिया आ जाएगा, हेलुसिनेशन, सेडेशन एंड डिसोरिएंटेशन। डिस्फोरिया आता है मूड स्विंग्स, बेचैनी, घबराहट सी, हर चीज़ बुरी बुरी सी लगना, और इस तरह से हेलुसिनेशन है, सेडेशन एंड डिसोरिएंटेशन है। सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इसमें एप्रेपिटेंट आता है। एप्रेपिटेंट क्या करता है? न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ब्रेन में, और वहाँ से फिर जो है वो एमएसएस के सेंटर को एक्टिवेट नहीं करता। ओरली दिया जाता है डेक्सोमेथासोन के साथ या पेलोनेसिट्रॉन के साथ। और इसके मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है? साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम के थ्रू। ये एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, मेटाबॉलिज्म जो करा रहे होते हैं लिवर में होते हैं या ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये मेटाबॉलिज्म करा रहे होते हैं ड्रग्स का। ये आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, ये होपफुली याद हो आप लोगों को। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। डायरिया के केस में डायरिया क्या होता है? इंक्रीज मोटिलिटी हो जाती है जब GIT की, या फिर डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्लूइड की, तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। इंक्रीज्ड मोटिलिटी का मतलब ये है कि जो भी खाया वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि मोटिलिटी इतनी फास्ट थी GIT की कि वो एक्सक्रीट हो गया। या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड में क्या हो रहा है कि फ्लूइड इनटेक तो ज़्यादा था लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो सका और एज सच ही एक्सक्रीट हो गया। इसके लिए हम एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे। एंटी डायरियल ड्रग्स दो तरह की हो जाएंगी, या तो हम मोटिलिटी को कम करेंगे एंटी मोटिलिटी एजेंट्स देके, या फिर एड्सॉर्बेंट्स देंगे जो कि फ्लूइड को एब्जॉर्ब करवा ले, और ड्रग्स दें, या फिर ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि फ्लूइड को मॉडिफाई कर दें या इलेक्ट्रोलाइट की ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई कर दें। डायरिया कॉज कैसे होता है? टॉक्सिन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जिसमें शिगेला, साल्मोनेला वगैरह आ गए हैं, या फिर किसी एंटीबायोटिक के साथ एसोसिएटेड होता है कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इंडिकेशंस क्या है ट्रीटमेंट की? कि डायरिया को 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो गए हो, सिवेयर डायरिया हो जाए चिल्ड्रन में या एल्डरली में, 2 से 3 दिन से पहले भी दे सकते हैं उनके केस में, या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाए, या फिर स्पेसिफिक कॉज डिटरमिन हो जाए कि इस वजह से डायरिया हुआ है, तो उस कॉज को एलिमिनेट करने के लिए हम ड्रग दे देंगे। एंटी डायरियल एजेंट्स में सबसे पहले एंटी मोटिलिटी एजेंट्स हैं। एंटी मोटिलिटी एजेंट्स में क्या आ जाएगा? डायफिनॉक्सिलेट है और लोपरामाइड है। इनका क्या होता है? ये एनालॉग्स हैं मेपिरिडीन के, और इनका ओपियोइड लाइक एक्शन होता है गट पे। मैकेनिज्म इनका क्या होता है कि ये क्या करते हैं? प्री साइनेप्टिक ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, और वो इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलाइन रिलीज को, और जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस स्टॉप हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस ही इंक्रीज हुई हुई थी, जो हम कहेंगे ना मोटिलिटी इंक्रीज हुई हुई थी, तो पेरिस्टाल्सिस को स्टॉप करने के लिए एसिटाइलकोलाइन के रिलीज को स्टॉप करवाते हैं। जब एसिटाइलकोलाइन रिलीज स्टॉप हो जाता है तो पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स में ड्राउजीनेस आती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, और डिजीनेस आती है। नेक्स्ट चीज़ है एड्सॉर्बेंट्स। एड्सॉर्बेंट्स में बिस्मथ सबसैलिसिलेट दिया जाता है, मिथाइल सेलुलोज या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं? इंटेस्टिनल टॉक्सेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोजा पे। एजेंट्स दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, उसमें बिस्मथ सबसैलिसिलेट आ जाते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया के केस में ये यूज़ होता है। ये फ्लूइड की सिक्रीशन जो बॉवल में हो रही है उसको कम कर देता है, और इसका जो एक्शन है वो भी इसी वजह से होता है कि वो एक कोटिंग बना देते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं म्यूकोजा पे।
क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल क्या चीज है, मेजर कॉज है डायरिया का और कोलाइटिस का, जो उनमें एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, फीकल ओरल रूट है इसका ट्रांसमिशन का, इसके 3 स्टेप्स हैं इन्फेक्शन के। पहली चीज़ ये कि ये ऑल्ट्रेशन करवा देता है नॉर्मल फीकल फ्लोरा की, नेक्स्ट चीज़ ये है कि कॉलोनिक कॉलोनाइजेशन करा देता है, तीसरी चीज़ ये है कि ये वहीं पे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है और ग्रो करता है, और इसके इन्फेक्शन की वजह से कोलाइटिस भी हो सकता है और टॉक्सिक मेगाफिलोन कॉज हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि जो ड्रग इसको कॉज करवा रही है सबसे पहले उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि मेट्रोनिडाजोल देंगे। मेट्रोनिडाजोल लिवर और रीनल इम्पेयरमेंट के केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। वेंकोमाइसिन दे देंगे, लेकिन वेंकोमाइसिन भी रीनल इम्पेयरमेंट के केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को मोस्ट कॉमनली डाइटरी मॉडिफिकेशन से ट्रीट किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर लेग्जिटिव्स दिए जाते हैं, लेकिन लेग्जिटिव्स के ज़्यादा यूज़ से, जिसे हम लेग्जिटिव अब्यूज़ कहेंगे, वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। वो किस तरीके से करता है वो आगे बताऊंगी आपको। इसके लिए थेरेपी क्या है, 4 चीज़ें इसके लिए दी जाती हैं, बल्किंग एजेंट्स, ऑस्मोटिक लेग्जिटिव्स, स्टिमुलेंट ड्रग्स एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। ये क्या करेंगे, बल्किंग एजेंट्स हैं जो कि फाइबर इंक्रीज कर देंगे स्टूल्स का, स्टूल सॉफ्टनर्स हैं जो कि स्टूल्स को सॉफ्ट करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे और इजी एक्सक्रीशन हो जाएगी। स्टिमुलेंट्स हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कराएंगे, मोटिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। ऑस्मोटिक लेग्जिटिव्स हैं वो फ्लूइड कंटेंट इंक्रीज कर देंगे स्टूल्स का, जिसकी वजह से इजी रिमूवल हो जाएगा। बल्क लेग्जिटिव्स वो क्या करते हैं, बल्क वॉल्यूम बढ़ा देंगे स्टूल्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगी, फॉरवर्ड मूव करेगा स्टूल, इसमें साइलियम आ जाती है, ब्रान आ जाती है और मिथाइल सेलुलोज आ जाती है। ये इनसॉल्युबल और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं खुद से, इसी वजह से इनको विद वेरी मच अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए, विद लॉट्स ऑफ वाटर लेना चाहिए, वरना ये खुद भी वर्सन कर देंगे कॉन्स्टिपेशन को। नेक्स्ट आ गए ऑस्मोटिक लेग्जिटिव, सलाइन एंड ऑस्मोटिक लेग्जिटिव। ये इफेक्टिव होते हैं 1 से 3 घंटे के लिए। ये इंटेस्टाइन को वॉश आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सर्जरी या पॉइजनिंग, मतलब सर्जरी से पहले अगर आपने जो है वो क्लियर करवाना है GIT, तो फिर हम उस केस में यूज़ कर देते हैं। फ्लूड जो है वो बाउल में ड्रॉन होता है बाय ऑस्मोटिक फोर्स, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाता है। नॉन डाइजेस्टिबल शुगर्स और अल्कोहल्स होती हैं लैक्टुलोज, बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन करता है इनटू एसिटिक एंड लैक्टिक एसिड, जो फिर ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करती हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एप्सम सॉल्ट है, ग्लॉबर सॉल्ट है, सोडियम फॉस्फेट्स है, सोडियम सिट्रेट है और पोलीइथाइलीन ग्लाइकोल है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे नाम याद हो, लेकिन एक दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोगों को ज़रूर याद होनी चाहिए इनकी। स्टूल सॉफ्टनर्स हैं जिन्हें इमोलियंट्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, इनमें कौन कौन से हैं, डोकोसेट सोडियम है, लिक्विड पैराफिन है या फिर ग्लिसरीन सुपोजिटरीज हैं। ये सॉफ्टन कर देती हैं और इजी रिमूवल हो जाता है। इरिटेंट या स्टिमुलेंट लेग्जिटिव्स हैं, ये क्या करते हैं, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, GI म्यूकोजा को ये इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर ल्यूमन में आ जाता है। सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो उस केस में यूज़ होता है कैस्टर ऑयल है, सेना है, बाइसकोडाइल है, ल्यूबीप्रोस्टोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 डेरिवेटिव है, जो कि स्टिमुलेट करता है क्लोराइड चैनल्स को और क्लोराइड रिच सिक्रीशंस कॉज करता है। लेग्जिटिव अब्यूज़ क्या चीज़ थी, होता क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है ये कॉन्स्टिपेशन की। इसमें क्या होता है कि कोलोन को ज़्यादा टाइम चाहिए फिल होने के लिए, उसको इंटरप्रेट किया जाता है एज आफ्टर कॉन्स्टिपेशन। एक दफ़ा जब वॉश आउट हो गया है अब क्या हुआ कि ज़्यादा टाइम चाहिए रिफिलिंग के लिए। मीनवाइल पेशेंट को फील होता है कि ये जो है वो दोबारा से कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रही है चीज़, इस वजह से पेशेंट दोबारा ले लेता है लेक्सिटिव। उससे क्या होता है, रिपीट किया उसने यूज़ को, उसकी वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स हो गया, जिससे एल्डोस्टिरॉन रिलीज हुआ, उसके रिलीज होने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हुई है इंटेस्टाइन में और रीनल एक्सक्रीशन हो गई पोटेशियम की। पोटेशियम के ज़्यादा लॉस होने की वजह से हाइपोकलीमिया हो गया, जो कि पेरिस्टाल्सिस को रिड्यूस कर देता है। पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस होने की वजह से दो अगेन कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और फिर रिपीटेड यूज आ जाता है लेग्जिटिव्स का, जिसको हम लेग्जिटिव अब्यूज़ कहते हैं कि वो बार बार पेशेंट यूज़ किए जाता है। ठीक है,
जी बच्चा, जीआईटी की ड्रग्स यहीं तक थी, ये सारी हमने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स कवर कर ली हैं। ये आप लोग साथ साथ ज़रूर पढ़ें ताकि हम कैचअप करते रहें, पीछे से हमारा मिस ना होता जाए। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह एंडो स्टार्ट करेंगे और वो सारी ड्रग्स पढ़ेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम मैम. जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे पूछना था कि मतलब जो हमारे ड्रग्स हैं इनमें मतलब हमारे 5 है 6 मतलब उनके नाम लिखे हुए हैं, हम मैक्सिमम 2 से 3 भी कर सकते हैं जो हमें इजीली याद हो जाए. बच्चे, बस आप लोग को एक दो नाम जरूर आने चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही ना आते हो, लेकिन एक दो नाम आने चाहिए। ये नहीं कह रही कि 6 7 या 10 12 नाम सारे आपको याद होने चाहिए, लेकिन जहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन पूरी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा है कि एंटीमेटिक्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, तो उसमें आपने सारी बता दिया, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी मस्कुरेनिक्स, ये आपने फिर सारी क्लासिफिकेशन बतानी है, ठीक है। फर्दर उनमें से आगे ड्रग्स के जो नाम है वो आप स्किप कर सकते हैं, एक एक दो दो। ओके मैम. जी बच्चों, आप लोग कोई कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम लेक्चर्स हैं LMS? जी बच्चे, फर्स्ट लेक्चर है LMS पे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। एक्सक्यूज मी मैम. मैम किएगा रुकिए. जी बच्चों, जी बच्चों, आप मुझसे कोई क्वेश्चन कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम मैम. जी बच्चे, मैम वो ना आपकी रिकॉर्डिंग जब खोलते हैं ना तो इंटरनेट हो तो तब भी खुलती है, आप ऐसे कर दीजिएगा कि उसके डाउनलोड का ऑप्शन कर दीजिएगा, फिर हम जब मर्जी को सुन सकते हैं जब नेट ना भी हो डाउनलोड करके. आप अपने पास उसे डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑप्शन नहीं देनी डाउनलोड की, आप उसको कर ले डाउनलोड। जी बच्चों, और किसी ने कोई चीज पूछनी है? LMS पे ये स्लाइड अपलोड नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग की. नहीं बच्चे, लेक्चर अपलोड है, मैम स्टडी बच्चे लेक्चर अपलोड है, आप लोग देखें, स्टडी मटेरियल में लेक्चर है। मटेरियल. यस मैम लेक्चर है लेकिन वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं होती. बेटा कर लें, आप अपने पास, आपने खुद डाउनलोड करनी है। जी बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस में यहीं से जनरेट कर लूंगी, ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।